हुए हैं मलाना चौड़ बाबा रामदेव के धाम, और मैं अभी बाबा रामदेव के धाम, जिनको सियाराम बाबा भी बोला जाता है, उनके यहाँ पर हैं। और ये जो पीछे देख सकते हो, ये जो मंदिर है जहाँ पर बाबा अपनी गद्दी लगाते हैं, ये वो मंदिर है। और अभी हम इस मंदिर पर आ रखे हैं। पीछे ये नया जो मंदिर बनाया गया है, ये गाय पाल रखी है, और ये जानकी माता का मंदिर है, राम जानकी का मंदिर। अब इस मंदिर पर, इस परिसर में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दूर दूर से पढ़े लिखे लोग या जैसे भी लोग हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और फाइनली बाबा के आशीर्वाद की वजह से उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं। बाकी एक यहाँ पर है, ये अखंड ज्योत बोलते हैं, इसे बोलते हैं अखंड धुनी। ये धुनी पूरे दिन जलती रहती है, पूरी रात जलती रहती है। यहाँ पर आप अगर कोई प्रसाद लाएँ, कुछ लाएँ, वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, कोई गोला नारियल, और फिर उसके बाद वहाँ से आप थोड़ी सी जो धुनी है वो लेके जा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक छोटा सा साईं बाबा का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, जो आप इस कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो ये साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है। मेन मंदिर जो है, मेन परिसर जो है, वो यही है जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, और आप भी संत महात्माओं में विश्वास रखते हैं, और मेरे हिसाब से तो महात्माओं में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम हवा को नहीं देख सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं, ऐसे ही जो बाबा की कृपा होती है वो महसूस की जाती है, देखी या समझी नहीं जाती, ठीक है, उनकी कृपा होती है। ये पीछे मेरे बाबा हैं, तो जय सियाराम बाबा जी की। बाबा अभी परिसर में घूम रहे हैं और वो देख रहे हैं कि परिसर में क्या क्या कार्यकलाप चल रहे हैं, और थोड़ा भोजन की व्यवस्था में भी बाबा लगे हुए हैं। जय शनि महाराज की। कोई पैसे मिले दान की बिना तो कहा है हमारे कबीर दादी ने कि चिड़ी चूंट भर ले गई गठो न सरवर नीर, दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो मेरे भाइयों, दान करने से कभी भी हमारे घर में घाटा नहीं आएगा, और बाढ़ा ही आएगा, बढ़ेगा, सवाया डेढ़ा दुगना बढ़ता जाता है। अगर आप अपने घर में से किसी भिखारी को एक दो मुठ्ठी आटा डाल दोगे या दो रोटी खिला दोगे या कुछ अनाज दे दोगे तो क्या हमारे घर में खाली हो जाएगा हमारा भंडारा? नहीं होगा, बढ़ेगा। इसलिए आप लोग सेवाएं क्या करो, सबसे बड़ी सेवा अपने माता पिता की होती है। अपने माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमको पाला पोता, हमारी माँ के लिए में सो करके हमको शुद्ध भी खिलाया, हमारा लालन पालन, हमारा शक्ति करता अपना माचल का दूध पिलाया, पाल पोस करके बड़ा किया, थोड़ा किया, खाना सिखाया, फिर पढ़ाना सिखाया, पढ़ाया लिखा करके उनको कोई नौकरी, किसी को धंधा, किसी को कारोबार, जो भी हमारे माता पिता ने बड़े कष्ट पापा करके हमको पढ़ाया लिखाया, हमको काबिल बनाया, और लास्ट में जा करके हमारा ब्याह किया, शादी किया, बच्चे बच्ची पैदा हुए, बेटा पोती नाते हुए, और लास्ट में जा करके हमारे माता पिता को हम प्यार अलग कर देते हैं, और वे पानी का गिलास और रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं हमारे माता पिता। गुजर ऐसे बेटों को धिक्कार है जन्म लेना ऐसी बहुओं को, ऐसी माताओं को, ताकि अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, कल को आप भी किसी के माता पिता बनोगे, आपकी सेवा कौन करेगा? मेरे भाइयों, सबसे बड़ी सेवा है क्या करो अपने बुजुर्गों की,
अपने माता पिता की, अपने पति की, अपने सासू ससुर की, यही हमारे भगवान होते हैं। अगर आप लोगों ने इनका वरदान वर ले लिया तो जो मान लो हमारा बेड़ा पार हो गया, हमको कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। हमारे माता पिता के मुख से जो निकल गया वो सत्य है, भगवान से इनका एक पद आगे होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारी माँ ने जन्म दिया, वो माँ अगर हमारे माँ से चली गई तो वो माँ हमको दोबारा नहीं, इसलिए उनका आशीर्वाद हमारे लिए ही अच्छा है। आप लोग पढ़ो और अपने सत्य मार्ग पर चलो, किसी की बुराई मत करो, किसी के साथ में धोखाधड़ी मत करो। अब जब ये खबर आई थी एक बुढ़ा बुजुर्ग आदमी था, तो उस बुढ़े आदमी ने कहा किसी से, एक था कोई कि बाबा क्या बात है कि बेटा मेरी पेंशन का बड़ा करवा दे काम। तो उसने देखा कि करवा दूंगा बाबू, तेरी पेंशन बनवा दूँ, तेरे आधार कार्ड ला, तेरा लगा, उनकी फोटो कॉपी करा करो, उसको पागल बना करके उसने उसके बेचारे के 38,000 रुपये उसके बैंक खाते में थे, ATM के द्वारा न जाने के प्रकार से उसने नहीं करवा। जब वो घर पे गया बुढ़ा, जब उसके उसमें मिस कॉल आया मोबाइल में कि तेरा पैसा निकल चुका है, तब तो मैं तो ले नहीं थी, तो फिर उसके खाते में मात्र 340 रुपये रह गए थे, 38,000 रुपये को लेके भग गया। फिर उसकी जांच की तो अब उसके पीछे जांच चल रही है पकड़ने के लिए, उसको पकड़ेंगे तो फिर ऐसा ऐसा धोखाधड़ी करते हैं। बाबा का नाम सबको ठीक किया कर करते हैं, अपन मानते हैं बाबा के नाम की ठीक हो जाएगी, सब कुछ तो होगी ठीक, मेरा तो कल्याण हो गया। उच्चार करो दोनों, देखा था हमने इसको भी थोड़ी देर पहले, क्या था इसके देखा तुमने, पूरा शरीर लेके था इसका, पैर भी लेके गया था, मतलब पैर में अच्छी होगी। तू क्या नाम तेरा? राधिका, भगवान की राधिका। गाइस अब हम निकल रहे हैं सवाई माधोपुर मंदिर से, अब हमें जाना है घर, तो हम घर के लिए निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं आपको दिखा देता हूँ। बस अब हमें यहाँ पे जो ये मंदिर है इस परिसर से हमें निकलना है और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी करेंगे परिक्रमा, फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। ये डॉली आ रही है और ये हम बाबा के मंदिर में हैं। गाइस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, अब हम जा रहे हैं सियाराम बाबा की परिक्रमा करने, उसके बाद हम निकल जाएंगे घर को। और ये जा रहे हैं ताऊजी प्रसाद लेकर के आगे आगे। Yeah.
मंदिर परिसर से, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर के। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लोग बाग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल इस टाइम। ये हम सब निकल रहे हैं, ये शनि मंदिर, ये भोले बाबा का मंदिर, और बाकी ये बाबा का दरबार। हम निकल रहे हैं जय बाबा की। अरे खा के देख, क्या मंगा रहा हूँ भाई, दियो एक पैकेट। अरे मुझे क्या पता, खा के ये है, ये लो। क्या है भाई के लिए, क्या है? हाँ तो खा लेना, यही तो बड़े हैं। वो होंगे दाल की पकौड़ी। दस रुपए की।
गाइस देखो ये तीन बंदर सो रहे हैं चुपचाप से शांति से हम निकल रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली फरीदाबाद से, अब हम निकल रहे हैं बाहर, हमें पहुंचना है घर। तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है बाबा के यहाँ जाने की। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम सब घूम रहे हैं यहाँ पे फरीदाबाद की सड़कों पे ताऊ जी के संग। हम जा रहे हैं घर वापस।